देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपके लिए लेटेस्ट जो प्रस्तुति लेके आए, जिसको प्रस्तुत किया न्यू दी ग्रेट नवयुवक संगीत पार्टी, ग्राम उपोष छतौनी, थाना नगराम, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। तो दोस्तों यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या बताऊं, एक तो दिल कहता है कि मैं आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करूं, और दूसरा दिल कहता है कि उसे कहने से कोई मतलब नहीं है। नहीं राजन, राजन अगर आप हम लोगों के समक्ष अगर कोई बात नहीं कहोगे तो हम लोगों को मालूम कैसे होगा क्या आप उदास किस लिए हैं? अगर आप लोग जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताएंगे कि हमारी उदासी का कारण क्या है। हाँ राजन, गौर से रणधीर सिंह तुम सुनिएगा और प्रताप सिंह तुम सुनिएगा। केसरी से जग में जो मेरी किस्मत में लिखा है, और लिखने वाले ने लिखा क्या मेरी तकदीर में, एक बालक के बिना सिर्फ एक बालक के बिना सुना मेरा सन से, तो समझता मैं भोपाल से बेड़ा हमारा पार है।
प्रभुपति। बस ये सोच है, अगर ऊपर वाले की कृपा होती, एक पुत्र अगर हमारे होता, तो मैं समझता कि हमारा जीवन पार था। इसलिए कि तुम जानते हो, तुम दोनों सुपेशलार हमारे दरबार के बहुत पुराने मुलाजिम हो। हमसे पहले हमारे बड़े भैया प्रेमनाथ का राज्य था, और बड़े भैया के राज में किसी भी प्रजा को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े भैया और भाभी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद हमारी भाभी साहब का स्वर्गवास हो गया। भाभी साहब के स्वर्गवास होने के बाद उनके गम में हमारे भाई का भी स्वर्गवास हो गया। और अफसोस की बात, उनके उधर से एक कन्या जन्मी थी, उसका पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, और ऊपर वाले की दया से एक पुत्री हमारे हुई और हमारी भी बीवी का स्वर्गवास हो गया। आज हमारे पास दो बेटियां हैं, लेकिन अफसोस यही है कि हमारे न रहने के बाद हमारे धारा नगर में धारा नगर का वारिस कौन कहलाएगा, और कौन राजा बन करके इस धारा नगर की प्रजा की देख रेख करेगा। राजन, आप इसलिए परेशान हैं कि आपको पुत्र नहीं है। राजन, इस धरती पे जो भी इंसान जन्म लेता है, हर इंसान की किस्मत जुदा जुदा होती है। किसी की किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन राजन, सबसे बड़ी किस्मत है कि आपकी किस्मत में बेटी लिखी थी, आपको बेटी मिली। लेकिन राजन, ये क्यों भूलते हो कि बेटी की कब शादी करोगे? जब उस समय जो आपको दामाद होगा वो आपके पुत्र के बराबर होगा, उसी को अपना इस राज का उत्तराधिकारी मान लेना, वही आपका वारिस हो जाएगा। हाँ सेनापति, समझता हूँ कि आने हमारे की बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटा की जगह पे दो बेटियां हैं। दो बेटियों की जगह पे मैं जब दो बेटियों की शादी करूंगा तो हमारे एक नहीं दो युवराज तैयार हो जाएंगे। हाँ राजन, अगर उनकी शादी करोगे जो दामाद होगा वो भी तो आपके पुत्र के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही है सेनापति, आप ही लोगों की शान पे हमारी शान है। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये राजा अमरनाथ आज तक नहीं होता। नहीं राजन, ये बात नहीं है। हेलो, सेनापति प्रताप सिंह, इसी के साथ तुम अपनी फौज सजा के तत्काल सीमा सरहद पे चले जाओ और अपनी ड्यूटी बिल्कुल सतर्की के साथ देना। कोई विभागी तुम्हारी सरहद की तरफ कदम न रखने पाए, कदम रखने के पहले उसे गोलियों से भून देना। ये मेरा आदेश है, जाओ अपनी फौज सजाओ और सीमा सरहद पे जाओ। दोस्त रणजीत सिंह, मैं जा रहा हूँ सीमा सरहद पर। हाँ, क्योंकि महाराज का हुक्म है, सीमा सरहद पर सख्ती से मुझे ड्यूटी करना है। दोस्त, अगर तुम्हारी सेना में सेना नायक कम हो तो हमारी सेना से कुछ सैनिक ले लो। ठीक है दोस्त, जरूरत पड़ने पर मैं आपकी सेना से कुछ सेना सैनिक जरूर लूंगा। भाई, जरूरत पड़ रहे तो तुम्हारी सरहद के ऊपर कोई दिक्कत पर बतायो। सरहद के बच्चे, सीमा सरहद,
तो वहाँ तो कह रहे हैं सीमा सरहज। सरहज नहीं, सरहज छिया कोनी दिक्कत न परी। अबे पागल हो गया क्या? कहे बरे का महाराज का कहने का मतलब है सीमा सरहद पर सख्ती से ड्यूटी करना। अगर कोई दुश्मन चढ़ाई करता है तो सीधे उसे मौत के घाट उतार देना। तो वह तो कह रहे हैं सीमा सरहद पर यहाँ कोनो तुम्हारी दिक्कत पड़े तो हमको पठे हो। ओ सरहद के बच्चे, तुम्हारी सरहद सरहद का कोनो दिक्कत न पड़ी है। सरहद ले लो, पागल हो गए। सीमा सरहद सरहद सरहज सरहज नहीं तो सरहज नहीं सरहद 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 सरहद। हाँ सलाद खाए का सलाद नहीं तो देख जैसे जगह ऐसे खींच दिया गया जगह से। हाँ तुम ये और तुम अपने पहल में रहो, मेरे पहल में दिखाना पड़े हो। बस यही तो सरहद है। नहीं तुम्हारे झाखा वाला धर्म क्या? यही तो सरहद है, इसी को सरहद कहते हैं। हम कहे तुम कबड्डी से अलग कहा। अबे पगले, हमारी सीमा इनसे समाप्त होती, इनकी सीमा शुरू होती है। यह मतलब यहाँ तो कहते हैं की सीमा सरहद के ऊपर कहीं जा रहे। अबे पागल दोस्त, सीमा बॉर्डर, सीमा बॉर्डर, बॉर्डर नहीं बॉर्डर। तुम बॉर्डर पर जी हो क्या? अबे नहीं तो भैया कह रहे सीमा बॉर्डर पर जाओ। बॉर्डर पे जाऊंगा भारत और पाकिस्तान के। बॉर्डर सरहद उसी को कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बात करनी होगी दोस्त, मैं चल रहा हूँ। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय हिंद। दरबारी भैया प्रताप सिंह सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी करने चला गया। हाँ वो तो सीमा सरहद के ऊपर चले गए। हमारी माता जी का तार आया हुआ है। तुम्हारी अम्मा का तार हुआ वो? यार तुझे कोई बात समझाता हूँ लेकिन तेरे समझ नहीं आती। अब तुम्हें तो कह रहे हो हमारी अम्मा का तार हुआ हुआ। अम्मा का तार नहीं, संदेशा तार आया हुआ है। हम पढ़े लिखे नहीं, हमको कहाँ पता। पढ़े लिखे खपड़े पे चढ़े। माता जी का संदेशा आया हुआ है। यानी संदेशा आया हुआ है? हाँ माता जी ने कुछ भेजा है, तत्काल बुलाया है। अच्छा तो भैया महाराज से एक हफ्ते के लिए छुट्टी मांगना है। आइए फिर देखिए महाराज कैसे। राजन, माता जी का अचानक संदेशा आया हुआ है, एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। क्या रे सिंह, तुम्हारी माता जी का संदेशा आया है और तुम्हें छुट्टी चाहिए? जी राजन। सेनापति रणधीर सिंह, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हारे हिसाब में सेनापति प्रताप सिंह की ड्यूटी सीमा सरहद पर लगा दी गई है। जी राजन। अभी सेना साहब पूरे सेना नायकों को लेकर के सरहद पे चला गया है और दरबार की देख रेख करने वाले सिर्फ तुम ही हो। राजन तुम भी छुट्टी पे चले जाओगे तो दरबार की देख रेख कौन करेगा? राजन मैं मानता हूँ, लेकिन 6 महीने से आपके यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, आज तक एक भी छुट्टी आपसे नहीं मांगी, लेकिन माता जी ने अचानक तत्काल मुझे बुलाया है। अगर आप क्या क्या हो तो जाऊं, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं सेनापति रणजीत सिंह, मैं तुम्हारी बात को इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम हमारे दरबार के बहादुर सिपहसालार हो और तुम पे हमें बहुत इत्मीनान और नाज है। सेनापति प्रताप सिंह तो चला गया बॉर्डर पे, लेकिन रणजीत सिंह तुम्हारी ड्यूटी मंजूर करूंगा एक शर्त पे। जी राजन। तुम जाओ अपनी माता जी से मिल करके एक हफ्ते के अंदर आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। जी राजन, मैं माँ से मुलाकात करके एक हफ्ते के अंदर ही
दरबार में हाजिर हो जाऊंगा राजन। लेकिन याद रखना, ड्यूटी में कोई लापरवाही नहीं करना। अरे राजन, मैं तो जिम्मेदार आपके दरबार का हूँ, मैं माँ से मुलाकात करके तुरंत आ जाऊंगा। जा सकते हो, तुम्हारे लिए छुट्टी मंजूर करता हूँ सेनापति रणजीत सिंह, लेकिन घर जाने से पहले पहले दरबार की देख रेख जरूर करके जाना। जी राजन, जा सकते हो तुम। भैया दरबारी, देखो प्रताप सिंह बॉर्डर पे ड्यूटी करने चले गए हैं और तुम दोनों लोगों की ड्यूटी है। हाँ भैया, मैं जा रहा हूँ माँ से मुलाकात करने, और याद रखना हमारे दोनों लोगों के ना रहने पर महाराज की ना मालूम हो कि हम दो लोग यहाँ पर नहीं हैं। जैसे कि आपकी भैया कौली बराबर महाराज की सेवा करना, इनको समय पर नाश्ता पानी पूरी सेवा इनकी करना। जैसे कि आपकी, ठीक है मैं चलता हूँ। अरे अतने सुरेले मना गाओ भैया, क्या हो गया? ऐसे रात रहा है, जब छुट्टी तुम मांगे तो मान लो साल दो साल में यहाँ तुम का साथ लेके जाते रहा है, तो अम्मा जब देती रहे हमको तुम ले पकौड़ी, जब गर्मी गर्मी तल में बढ़िया तो हम उनते लेते कहते अम्मा उड़ी लाओ खाई उड़ी लाओ खाई। आज तुम अकेले जा रहे हो भैया, मगर हमारी खातिर लेते आयो पकौड़ी। ठीक है ले आऊंगा। अम्मा तो कही दी हो कि अम्मा वे मंगाई न है और तुम दई दियो लेते जाई। अरे बत्ते से थक पकौड़ी यार, कुछ और कह कर चलक बदतमीज कहेगा न ला जाए। हाँ लेकर आऊंगा राजन, मैं चलता हूँ। हाँ साहब, कहानी पर ध्यान देना, इधर देख लो सामने महाराज दरबार में बैठे हैं, उधर से कौन महाराज की बेटी जिसका नाम अनार होता है वो अपने पिताजी के पास आती है। देखिए अपने पिताजी क्या फरियाद करते हैं, कह लो सामने बिटिया अनार आती है। धन्यवाद। हेलो, अरे मानो के इस गुलशन में तुम आए हो सामनी की तरह, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की